हेलो हेलो बडीज, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने एक और नया वीडियो के साथ। तो क्या आप लोगों को पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ आज? आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए जैकफ्रूट की सीड्स की रेसिपी। तो आशा करती हूँ सब लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और हाँ, मुझे पता है बहुत लोग जैकफ्रूट की सीड्स को फेंक भी देते हैं और कुछ कुछ लोग उसको यूज़ भी करते हैं। तो जब जैकफ्रूट के सीड्स के साथ इतना अच्छा रेसिपी बना सकते हैं तो फिर क्यों फेंकना है ना? तो अभी हम लोग प्रेशर कुकर में थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे और उसके साथ साथ जैकफ्रूट की सारी सीड्स को वहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर प्रेशर कुकर का लीड बंद करके उसको एक सीटी दे के उसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से। अभी बॉईल किया हुआ जो सीड्स है उसकी जो आउटर कवर है उसको हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे चाकू के ज़रिए। और हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं बॉईल क्यों की हूँ सीड्स को, वो इसलिए ताकि सीड्स की जो फ्राई हो वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, इतना भी क्रंची ना रहे। क्योंकि आप लोग जानते हो जैकफ्रूट की सीड्स बहुत हार्ड होती है ना? और हाँ, उसका दूसरा रीज़न और भी है कि सीड्स की जो आउटर कवर है उसकी आउटर कवर आसानी से निकल जाए। तो देखते ही देखते हम लोग सारे सीड्स की जो आउटर कवर है उसको निकाल चुके हैं, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे। अभी हम लोग ये जो सारे सीड्स है उसको पीस पीस करके काट लेंगे अच्छे से। तो हम लोग सारी सीड्स की जो आउटर कवर है उसको निकाल भी लिए हैं और पीस पीस करके काट भी लिए हैं अच्छे से। अभी हम इसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो इसको अच्छे से मैरिनेट करके हम लोग 10 मिनट तक इसको रेस्ट में रखेंगे। चलो अभी हम लोग गैस का फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई चला देते हैं। जैसे ही कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए उसमें थोड़े रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। फिर धीरे धीरे जो सारे सीड्स है सारे सीड्स को हम लोग अच्छे से डाल देंगे कढ़ाई पे। उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से।
थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम लोग कढ़ाई का जो लीड है उससे हम लोग इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फिर से खोल के देखेंगे कि आटा फ्राई हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको और थोड़ा फ्राई करेंगे। तो देखते ही देखते हम लोग का सारे सीप फ्राई भी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी जैकफ्रूट की सीड्स की रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, और जिसने ट्राई नहीं किया प्लीज़ अपने घर में ट्राई कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।